नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचन में गेमर में। गाइस मैं आज खेलने जा रहा हूँ रनिक पावर, जो नए अपडेट में आज ही आ गया है। तो मैंने यहाँ पर अपनी फायर वाली पावर लिए। इन तीन पावर का अलग अलग फ़ायदा होता है भाई। मैंने अपनी फायर वाली लिए, लेकिन इतनी कुछ खास काम की नहीं होती है। अभी मुझे आगे समझ में आने वाला है। ये मेरा एक्चुअली मैंने कभी मोड खेला नहीं। इससे पहले 3-4 मैचेस खेली, लेकिन गेम के ग्लिच की वजह से मैं मारा गया। इसलिए मैं अभी आपको ये मैच दिखाने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा किल तो नहीं होंगे, लेकिन चिकन डिनर ज़रूर होगा। तो हमारे टीममेट जो है ये पोचिंग की में जाने का चिंता करता है, तो हम निकल लेते हैं भाई पोचिंग की। अब देखो क्या सस्ते में ग्लिच होने वाला है। ये देखो मैं पानी के अंदर, अरे भाई पानी के अंदर कैसे गया। और ये देखो क्या हो रहा है, मैं नीचे ज़मीन के अंदर धस रहा हूँ भाई। क्या चल रहा है ये देखो। आज सुबह, ये सुबह से ग्लिच चल रहा है। इधर उधर मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखो मैं उस घर के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन जा नहीं सकता। ये देखो दूर फेंक रहा है। इधर क्या चल रहा है भाई। तो मैं इस घर के अंदर आता हूँ ताकि मेरे को कोई मारा ना दे, क्योंकि पोचिंग में ज़्यादा बंदे उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बंदे उतरे ही नहीं थे। मेरे लॉबी के बंदों को क्या हो गया समझ में नहीं आता। लोग पोचिंग की स्कूल की तरफ ज़्यादा उतरते, ये कोने कोने की जगह पर उतरते, पता ही नहीं चलता कहाँ पर उतरे हैं। बंदे तो कहीं मिलते ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर, मेरे को एक फायर का साउंड आता है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सोचता हूँ कि चलो ऊपर, घर के ऊपर चढ़ के आ करते हैं, क्योंकि कोचिंग में घर के ऊपर चढ़ना आना चाहिए भाई। इसलिए इधर घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऊपर जाता हूँ, ऊपर में ऊपर ये एक नंबर इधर ही कुछ कर रहा होता है। तो ये देखो होलोस्कोप मेरे हाथ तो उठ ही नहीं रहा। इधर क्या ग्लिच हो रहा है समझ में नहीं आता। तो भाई मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कुछ तो कोई होता नहीं है। मैंने कोशिश की घर के ऊपर चढ़ने की, लेकिन मेरे घुटने हिचने गए। अब क्या कर सकते भाई, क्या ये ग्लिच की वजह से। देखो भैया क्या घोटाला हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सब कुछ उठाता हूँ। मेरे को यहाँ पर 3 नंबर के पास कुछ फायर के साउंड आते हैं, और मैं देखता हूँ कि भैया 3 नंबर को किसी ने नॉक कर डाला। भाई कौन है ये, मेरे को शॉटगन की आवाज़ आ रही थी, कौन था पता नहीं। मेरे को दिखता है, मेरे को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन चला नहीं पाता है। एक नंबर क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो एक नंबर जो है जल्दी से घर के अंदर घुसता है और उससे फाइट लेने की कोशिश करता है। और ये देखो एक नंबर नॉक हो जाता है, मैं पीछे से आता हूँ और उसको नॉक कर देता हूँ। ये पैरों के बीच में होने की वजह से उसको मैं रिवाइव नहीं दे पाता, लेकिन तब तक हमारा 3 नंबर भैया ख़त्म हो जाता है। तो 2 नंबर क्या कर रहा था भाई तू, अब तक बाहर ही घूम रहा था। यहाँ पर एक बंदा फिनिश हो गया, दूसरा नॉक हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को मिल जाए ये सब कुछ उठा लेते। मेरा ऑटो पिकअप को क्या होता पता नहीं, मैं बस एक AKM ही उठा पाता हूँ, जिसमें एक भी एमओ नहीं है। अब बिना एमओ की AKM का मैं क्या ही करूँगा। मैं सोचता हूँ कि चलो शायद घर के ऊपर जो है मुझे इसकी एमओ मिल जाएगी, क्योंकि AKM तो भैया थोड़ी तगड़ी गन होती है ना। तो मैं इधर आसपास ढूंढता हूँ कि कहीं पर मुझे एमओ मिल जाए। मेरे को यहाँ पर फॉरेस्ट फ्राम मिलते हैं, फॉरेस्ट को भी उठा लेता हूँ मैं अपने आप से। तो भाई मैं यहाँ पर घर के ऊपर चढ़ता हूँ और अपने बस ऐसे ही ये रोलर घुमाता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से जलता है। ये सामने वाले बंदे का तो भैया चपाती और साथ साथ भुनी हुई चपाती मुरब्बा दोनों हो जाएगा, क्योंकि जलते हुए भी जलते हैं ना। मैं देखता हूँ कि भैया मेरे टीममेट ने किसी को नॉक और फिनिश दोनों कर डाला। मैं उसके पास दौड़ते हुए चलता हूँ। मेरे दोनों टीममेट्स उधर ही होते हैं, तो मुझे भैया इनके साथ ही रहना था, इनसे दूर नहीं जाना था। क्योंकि अगर इनसे दूर गया और किसी से पिट गया तो मेरे को रिवाइव देने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। और ये देखो खिड़की के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, खिड़की के अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये रनिंग क्रिस्टल्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने फायर वाले में एक्चुअली ये बर्निंग वाले इफेक्ट के लिए ली थी। यहाँ पर आपको अभी एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो थोड़ी सी ब्लर फोटो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर इधर कुछ कर रहे होते। ये देखो 1 नंबर ने हवा का बुलबुला यहाँ पर रेडी कर दिया। मैं यहाँ पर अपने लिए पेन किलर ढूंढ रहा था, क्योंकि घर के ऊपर से गिरने की वजह से घुटने जो छिन गए थे उससे भैया बहुत दर्द हो रहा था। मेरे को यहाँ पर पेन किलर्स मिल जाते हैं, तो मैं पेन किलर्स को जो है जल्दी से खा लेता हूँ। और मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ कि भैया यहाँ पर एक एयर ड्रॉप पड़ा है, तो एयर ड्रॉप को भैया लूटने के लिए चलते हैं। और मैं यहाँ पर जो एक
डेथ क्रेट बोलते हैं उसमें वो पड़ी थी, तो यहाँ पर मुझे स्कारल मिल जाते तो ये स्कारल उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग की गन तो इतनी कुछ थी नहीं, तो अभी जो कुछ काम का नहीं था वो सब कुछ मैं अपने बैग से निकाल लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो उस एयर ड्रॉप के पास चलते हैं, क्या पता मैं या तो बंदे मिले या तो कुछ अच्छी सी लूट, इसलिए मैं यहाँ पर आसपास देखता हूँ कोई है तो नहीं। मेरे को अपन गाड़ी दिखती है तो मैं जो है मुझे लगा कि यहाँ पर कोई बंदे तो नहीं है ना, तो मैं ऐसे जाता हूँ देखता हूँ कोई है तो नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी के अंदर बैठ के एयर ड्रॉप की तरफ चलेंगे, लेकिन एक नंबर देखो क्या कर रहा है, एक नंबर पहले जाएगा और भैया मेरे को गाड़ी में बिठाता ही नहीं, ये क्या करता है ये देखो। मैं इसके रास्ते के सामने हूँ उसके बावजूद भी गाड़ी नहीं रोकता, सीधे गाड़ी भागते हो जाता है। दो नंबर को इतना गुस्सा आता है कि उसके ऊपर फायर कर देता है, ये देखो भैया अपना वो टीममेट है, अपने टीममेट पे ऐसा कौन फायर करता है भाई। दो नंबर जो है वहाँ पर जाके सब कुछ लूट लेता है, और एक नंबर को यहाँ पर कोई स्कोप खोल के देखता है कौन है बंदा, मेरे को भी दिखता है ये देखो एक बॉट था जिसको हम दोनों ने लपेट डाला। तो भैया हम यहाँ पर आसपास कुछ देखते हैं कोई बंदा वगैरह तो है नहीं, यहाँ पर इसकी पेटी में भी लूट लेता हूँ मैं, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रा ये नजल वगैरह कुछ मिल जाता है। इसकी पेटी में और तो कुछ था नहीं, तो दो नंबर जो है तो हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे मेंशन किए हैं कि जगह थी, मेरे को लगा एक कई और लेके जाएगा इसलिए गाड़ी में बैठा रहा। मैं ऐसे उतरता हूँ थोड़ा सा बीच में जाता हूँ, लेकिन यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाता हूँ। मैं अपने सिक्स एक्स को जो है डेस्क बना लेता हूँ, ताकि भैया अगर आमने सामने लड़ाई हुई तो मुझे मैं उसकी आँख दी मतलब एम जो है चौपट ना हो जाए, इसलिए मैं जो है यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं बस यूं ही ऐसे घूम रहा था, तब मेरे को एक गाड़ी की साउंड आती है, ये यहाँ पर गाड़ी आती है, लेकिन दीवार की वजह से मेरा एम चौपट हो जाता है। तो अब ये देखना कैसे नशेड़ी प्लेयर है, ये देखो यहाँ पे आते हैं। मैंने सोचा इनको यहाँ से गाड़ी के पीछे से मारूंगा, ये देखो कहाँ पे एम कर रहा है भाई, मैं यहाँ पर हूँ अंधे हो क्या, ये देखो सामने आता है और कहाँ से एम कर रहा है, ये देखो भाई बंदा किधर है और ये मार कहाँ पे रहा है, ये देखो। इस तरह से हमारा एक ही टीममेट जो है सारी की पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर देता है। उसका ध्यान हमारे टीममेट्स के ऊपर था और हम और मेरा ध्यान उस एनिमी के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इनकी पेटी लूटता हूँ, हम यहाँ पर जो है इनकी पेटी लूटते हैं। यहाँ पर मेरे को एक एम भी मिल जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक एम को ही उठा लेते हैं। वहाँ पर एक एम की एमो नहीं थी, यहाँ पर तो एमो है, तो चलो उठा लेते हैं। हम जो है यहाँ से अभी इस गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसे निकल लेते हैं, क्यों क्या पता है यहाँ पर आसपास और कोई एनिमी हो। तो हम जो है यहाँ पर एक घर होता है, तो उस मेंशन वाले घर के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम जो है यहाँ पर इनको लगता है मुझे लगा कि इनको पेट्रोल की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पर पेट्रोल का पीपा जो है इधर रख देता हूँ और उनको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है पेट्रोल का पीपा उठाता ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं ही उठा लेता हूँ, इनके पता इस्तेमाल हो जाए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किसी ने बम फोड़ा, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा टीममेट है जो यहाँ पर बम फोड़ रहा है।
इधर क्या ग्रेनेड फॉर्म फोड़ रहा हूँ मैं, वो मुझे लगा कि यहाँ पर एनिमी है इसलिए मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। और ये इधर इनको यहाँ पर एनिमी दिखता है, ये एनिमी नहीं एक्चुअली एक बॉट ही था। ये देखो इस तरह से ये बॉट हो जाता है ख़त्म। मेरे हाथों से नहीं हुआ, दूसरे के हाथों से हुआ, पर क्या कर सकते हैं भैया। मैं यहाँ पर आसपास देखता हूँ लेकिन कोई नहीं होता। यहाँ पर एक क्रेट पड़ी होती है तो मैं यहाँ पर क्रेट के अंदर लूटने आता हूँ। यहाँ पर नीचे लेटना बहुत ज़रूरी होता है वरना अगर आसपास कोई बंदा हुआ तो तुमको ख़त्म कर डालेगा। ये ना लेटने की वजह से मैं मरते मरते बचाऊँ तो यहाँ पर आग उठा लेता है, एवज वाली आग उठा लेता है और मैं यहाँ पर M4 उठा लेता हूँ। इस कारण को फेंक के मारता हूँ तो अब जो है मेरे पास M4 भी आ चुकी है। तो हम जो इधर बस ऐसे थोड़ी देर के लिए ये अपने पावर्स को ऐसे टेस्ट कर रहे थे क्या क्या है ये। इसने देखो फिर से हवा का बुलबुला निकाला। हवा के बुलबुले के एक फ़ायदा होता है कि अगर आप मान लो ओपन में हो और आपके पास कवर नहीं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको जो है एनिमी की गोली का डैमेज आपको कम पड़ेगा, डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ पर एक पहले से एक एयर ड्रॉप मिलता है। इस एयर ड्रॉप के अंदर ज़्यादा कुछ होता है नहीं, बस मेरे को यहाँ पर लेवल 3 का कवच मिल जाता है और MK14 होते हैं। MK14 की तो कोई इतना उठाता नहीं है। हमको लगता है कि यहाँ सामने वाले किसी घर के अंदर कुछ है। ये देखो मेरे को दिख जाता है, ये देखो अभी बॉट था कॉर्म को या फिर कोई बंदा था मुझे नहीं पता है। मैं उसको थोड़ा फायर देता हूँ। ये देखो कि क्या वो नीचे लेट गया, मैं भी नीचे लेट गया। मेरा ध्यान नहीं था कि पेड़ के पीछे भी एक बंदा है। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर उसकी पेटी लूटता हूँ लेकिन ये देखो मेरे को नॉक कर देता है। मैं उनको बताता हूँ कि उधर बंदा है मत जा, ये जो है इधर पीछे आ जाता है। मैं उनको वो देखता हूँ, मुझे दिखता है कि वो पेड़ के पीछे से चुपके मार रहा है। तो मैं भी उनको मैं अपने टीममेट को मदद के लिए बुलाता हूँ, भाई 2 नंबर मेरे को रिवाइव दे दे। मैं इसे रिवाइव दे दे बोल रहता हूँ तो मुझे वो रिवाइव दे देता है क्योंकि हम 3 ही बंदे थे, हमारे अलावा सिर्फ एक ही बंदा था। तो मैं जो है यहाँ पर बड़ी वाली हेल्थ किट नहीं लगाता क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी ये वाली हेल्थ किट लगाता हूँ। अब देखना क्या ग्लिच होगा। मैंने हेल्थ किट लगा ली है, उसके बावजूद भी ऐसा लगेगा कि हेल्थ किट लगा ही नहीं है। देखो हेल्थ किट एक्चुअली लग चुकी है, देखो तो हमारी हेल्थ किट यहाँ पर लग गई है। यहाँ पर यहाँ से आसपास से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पाते। मैं भी जो यहाँ पर नीचे ही झुक के आता हूँ। ये देखो इधर से हम रोटेट करके मारने की कोशिश करने वाला था। ये जो है ये इधर पेड़ के पीछे से कहीं भाग के आ रहा है। ये देखो वो शील्ड लगा रहा है, आइस वॉल यहाँ पर लगाता रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ से दीवार से तो मारा नहीं जा सकता। मेरे बंदे जो है इसके ऊपर मूली ग्रेनेड ऐसा सब कुछ फेंके जा रहे थे। मैंने सोचा इसको दीवार के पीछे से आके धप्पा करूँगा। मैंने सोचा ये रोड रोलर को उसके ऊपर फेंक दूंगा और इसके पीछे से जाके मारूंगा, लेकिन ये रोड रोलर मेरे से निकलता ही नहीं है। 2 नंबर भी जो है मेरे पीछे मेरे साथ ही इधर आ जाता है और 1 नंबर ज़्यादा होशियारी में वहाँ पे जाता है और नॉक हो जाता है। ये देखो वो जो गिली सूट वाला बंदा था पता नहीं क्या कर रहा था। मेरा टीममेट जो है यहाँ पर अभी ख़त्म हो गया। अभी हम यहाँ पर 2 ही बंदे बचे हुए थे। यहाँ पर कुछ फेंके जा रहा है। मैंने सोचा कि कवर के लिए तो कुछ होगा लेकिन ये इसका तो कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। तो मैं जो है इसको यहाँ पर मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये जो है आइस वॉल के पीछे छुप जाता है, 2 नंबर पीछे जाता है। उससे मैं समझ गया कि 2 नंबर उसको पीछे से धप्पा करेगा। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ, अभी देखना क्या करेगा। मेरे पे ध्यान गया और मेरे टीममेट ने इसको फिनिश कर डाला। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।